हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आकांक्षा दुबे के बारे में कि आकांक्षा दुबे हीरोइन कैसे बनी और आखिरकार आकांक्षा दुबे जीरो से हीरोइन बनने तक के सफर के बारे में बताएंगे। और आकांक्षा दुबे भोजपुरी में ही नहीं साउथ मूवी में भी काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा दुबे कितने मूवी में काम किया है और कौन कौन सी मूवी में काम किया है, किस किस के साथ काम किया है और कौन कौन एल्बम सॉन्ग में काम किया है, आकांक्षा दुबे कितने तक पढ़ाई लिखाई की है, कितने साल की उम्र से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, कितने उम्र है और कितने भाई बहन है, इनके भाई बहन का क्या नाम है, इनके परिवार में कौन कौन है, आकांक्षा दुबे के माता पिता क्या करते थे और आकांक्षा दुबे के माता पिता का क्या नाम है, आकांक्षा दुबे का जन्म कब हुआ था, आकांक्षा दुबे का ननिहाल कहाँ है और आकांक्षा दुबे का घर कहाँ है, आकांक्षा दुबे किस गाँव की रहने वाली है, आकांक्षा दुबे किस जिले से बिलोंग करती है, आकांक्षा दुबे का घर कहाँ कहाँ है और कौन कौन जगह पर है, आकांक्षा दुबे का पहला मूवी कौन सा था और आकांक्षा दुबे का पहला एल्बम सॉन्ग कौन सा था। आज हम जानेंगे आकांक्षा दुबे के फुल बायोग्राफिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा दुबे का जन्म 21 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश मिर्जापुर विंध्याचल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आकांक्षा दुबे का ननिहाल विंध्याचल में है और इनका गाँव घर की बात करे तो इनका गाँव उत्तर प्रदेश भदोही जिले में एक छोटा सा गाँव है, जिस गांव का नाम बलदहा है। आकांक्षा दुबे बलदहा गांव की रहने वाली है और भदोही जिले से बिलोंग करती है। आप इस वीडियो में आकांक्षा दुबे का घर देख सकते हो दोस्तों, यही है आकांक्षा दुबे का घर। जब यह 3 साल की थी तभी अपने माता पिता के साथ सपनों की नगरी मुंबई नाला चोपारा में एक बस्ती है जिसका नाम धानवी बाग है। इसी बस्ती में आकांक्षा दुबे के परिवार रहा करते थे और आकांक्षा दुबे भी रहती थी। आकांक्षा दुबे जब 3 साल की थी तब की यह तस्वीर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आकांक्षा दुबे जब 3 साल की थी तो कैसी दिख रही थी। जब आकांक्षा दुबे छोटी थी तब उनके पड़ोसी बताते हैं कि आकांक्षा दुबे की माँ कंपनी में काम करने जाती थी और इनके पिता आटा चक्की मिल में काम करते हैं। आकांक्षा दुबे के पिता उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे लेकिन टीवी देखने के कारण अभिनय और डांसिंग में मन लगने लगा था और अपने करियर की फिल्मों दुनिया में बनाना चाहती थी। आकांक्षा दुबे की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यह अपनी पढ़ाई 12वीं तक मुंबई से की है। इनके परिवार में कौन कौन है तो मैं बता दूं, इनके माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 भाभी है। आकांक्षा दुबे का बड़े भाई का नाम हरिओम दुबे है और इनके छोटे भाई का नाम आदित्य दुबे है। इनके माता का नाम मधु दुबे है और इनके पिता का नाम छोटे लाल दुबे है। एक दिन आकांक्षा दुबे ट्यूशन से घर आने के बाद देखा कि उनकी मम्मी टीवी सीरियल देख रही थी। तभी आकांक्षा दुबे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मुझे हीरोइन बनना है, तो उनकी मम्मी उस बात को वहीं टाल दिया। तब आकांक्षा दुबे उस बात को वहीं छोड़ दिया। आकांक्षा दुबे जब 17 साल की थी तब अपनी मन की बात अपनी सहेली से बोली कि मुझे फिल्मों में काम करना है। तब उनकी सहेली जिसका नाम पुष्पांजलि पांडे है, जिन्होंने आकांक्षा दुबे की मदद किया और एक प्रोड्यूसर से मिलाया और उन्होंने फोटोपोलिया ऑडिशन के बारे में बताया। फिर इसके बाद इंडस्ट्री में पहला ब्रेक आशीष तिवारी ने दिया जो SRK म्यूजिक के लिए भोजपुरी एल्बम सॉन्ग में काम किए थे, जिस सॉन्ग का नाम था उमरिया बा ऐसन और इनका यह पहला एल्बम सॉन्ग था भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये 17 साल की उम्र से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने कई सारे सॉन्ग और कई सारे फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्हें अपने टैलेंट में आगे बढ़ता देख कई डायरेक्टर और कई प्रोड्यूसर ने उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद आकांक्षा दुबे डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने साल 2018 में काम छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि नए कलाकारों को नए कलाकारों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उनका तुलने में एक सफल अभिनेत्री या कलाकारों से की जाती थी। ऐसे में हर नए कलाकारों का मनोबल टूट जाता है, उनके
साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब उनकी माँ ने उन्हें दोबारा इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया और इन्हें काफी सपोर्ट किया। फिर इसके बाद आकांक्षा दुबे रितेश पांडे के सॉन्ग में बुरी और काशी हिले पटना हिले जैसे एल्बम सॉन्ग में भोजपुरी इंडस्ट्री में वापसी किया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चल रहे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के मूवी प्रोजेक्ट आकांक्षा दुबे का राकेश मिश्रा ने सबसे बड़ा ब्रेक दिया। राकेश मिश्रा ने उन्हें अपना एक गाना सुनाया और कहा कि आप इस गाने के लिए फिट हो, तो वो उनके साथ इस गाने को करने के लिए तैयार हो गई। वो गाने 2020 और 2021 का ब्लॉकबस्टर हिट गाना था, जिस गाने का नाम था राजा तू तो जवान हम लयका, जो कि 1 दिसंबर 2020 को आया था। इस गाने को रिलीज होते ही आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री पर छा गई और हर जगह लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया और इनका सॉन्ग ईपीबीआर में पूरा धमाल मचा दिया दोस्तों। इसके बाद आकांक्षा दुबे अपना नया घर लेती है, नाला सोपारा में एक जगह है जिस जगह का नाम है एंजल टावर दोस्तों। फिर इसके बाद आकांक्षा दुबे अपने पूरे परिवार के साथ उच्चोल से एक नए जगह पे शिफ्ट हो जाती है जिस जगह का नाम था एंजल टावर दोस्तों। आकांक्षा दुबे अपने पूरे परिवार के साथ एक प्लॉट लेती है और वो प्लॉट में ये रहने लगते हैं उनके पूरे परिवार। आप इस वीडियो में नया घर आकांक्षा दुबे का देख सकते हो, इसी प्लॉट में रहती थी जिस प्लॉट का नाम है एंजल टावर दोस्तों। आकांक्षा दुबे इसके बाद इनके पूरे परिवार और इनके मम्मी पापा यहीं पे रहने लगे थे दोस्तों। और इसके बाद आकांक्षा दुबे को बहुत सारे एल्बम सॉन्ग और मूवी में काम करने का ऑफर आने लगा। आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के साथ एक एल्बम सॉन्ग किया जिस सॉन्ग का नाम था नमरिया कमरिया में खोद दे, जो कि यह सॉन्ग काफी हिट चला और यह सॉन्ग 5 फरवरी 2021 को आया और यूपी बिहार में धमाल मचा दिया। इसके बाद आकांक्षा दुबे ने सभी कलाकारों के साथ काम किया। कुछ कलाकारों का नाम मैं बता देता हूँ, आशीष तिवारी, गोलू राजा, विजय पांडे, सोनू, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, अंकुश राजा, अरविंद अकेला उपकल्लू, खेसारी लाल यादव, समर सिंह और पवन सिंह शिल्पी राज के साथ भी काम किया है। आकांक्षा दुबे की फिल्मों की बात करें तो यह भोजपुरी में ही नहीं साउथ मूवी में भी काम कर चुकी है। आकांक्षा दुबे ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह 2 से 3 साउथ मूवी में काम किया है। आकांक्षा दुबे के मुताबिक वो अब तक 25 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है, जिसमें से इनका पहला मूवी था जिस मूवी का नाम था पृथ्वीराज, जिसमें इन्होंने आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आई थी, जो कि गोलू राजा का मूवी था। अब तक जितने भी फिल्मों में काम किया है उन सभी का लिस्ट, पृथ्वीराज, मेरा जंग, मेरा फैसला, मुझसे शादी करोगी भोजपुरी मूवी, वीरों के वीर, लड़ाकू राजा, कसम पैदा करने वाली की 2, द पावर ऑफ गमछा। और दोस्तों इनकी कुछ हिट सॉन्ग की बात करें तो इनकी कुछ हिट सॉन्ग इस प्रकार है, जिसका नाम ए बुवरी, काशी हिले पटना हिले, राजा तू तो जवान हम लयका, नमरिया कमरिया में खोज दे, कुंवारे में गंगा नहले पानी 2, बुलेट पे जीजा, नाच रे पतर की नागिन जैसन 2.0, साटा के प्राइज और नाच के मलकिनी, तावा पे रोटी, यह आरा कभी हारा नहीं। और यह सॉन्ग करने के बाद 26 मार्च रविवार 2023 को हमारे बीच नहीं रही और सबको यही लग रहा था कि आकांक्षा दुबे का यह लास्ट सॉन्ग है, लेकिन नहीं, 18 अप्रैल 2023 को इनका न्यू सॉन्ग आया जिस सॉन्ग का नाम है आरा के हवेली। ना जाने कितने फिल्मों और कितने सॉन्गों में काम किया है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी कम उम्र में ही बेहतरीन मॉडलिंग, एक्टिंग और हीरोइन बन गई थी। और इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 26 साल हो गई थी दोस्तों। बात करें आकांक्षा दुबे के बारे में तो दोस्तों आज के समय में यह किसी पहचान की मोहताज नहीं थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों आकांक्षा दुबे ने काफी कम उम्र में ही अपना नाम पहचान बनाया और इस इंडस्ट्री को छोड़ चली गई और हमारे बीच नहीं रही। तो दोस्तों आगे का तो आपको मालूम होगा आगे क्या हुआ क्या नहीं। अगर आप भी आकांक्षा दुबे के फैन हो और इनके आत्मा को शांति चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय बिहार, जय समाज।